हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। इन ए ईयर सीमा अर्न्स रुपीज 1,50,000, सेव्स रुपीज 50,000, फाइंड द रेशियो ऑफ। ए पार्ट, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स। इस क्वेश्चन में सीमा की जो इनकम है वो 1,50,000 है, जिसमें से 50,000 वो सेव करती है। अब रेशियो फाइंड करना है। ए पार्ट, सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स। न्यूमरेटर में अर्न मनी लिखेंगे, अर्न्स मनी अपॉन सेव मनी, सेव्स मनी। अर्न्स मनी एंड सेव्स मनी के बीच में रेशियो फाइंड करना है। अर्न्स मनी है 1,50,000, सेव मनी है 50,000। अब देखेंगे, डिनोमिनेटर से 4,0 कैंसिल कर देंगे, 1,2,3,4, 1,2,3,4 ये कैंसिल हो गए। 15/5, अब 5 से ये डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3/1, आंसर हो गया 3 रेशियो 1, ये आंसर है। बी पार्ट, मनी दैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स। यहाँ पे सेव्स मनी और स्पेंड मनी के बीच में रेशियो निकालना है। तो पहले देखेंगे कि सीमा कितना स्पेंड करती है। सीमा स्पेंड मनी इज इक्वल टू 1,50,000 इनकम है उसकी, माइनस 50,000 वो सेव करती है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू रुपीज 1,00,000 हो जाएगा। अब रेशियो फाइंड करेंगे, न्यूमिनेटर में लिखेंगे सेव मनी, सेव्स मनी। डिनोमिनेटर में लिखेंगे स्पेंड मनी, स्पेंड्स मनी। इज इक्वल टू 50,000 अपॉन 1,00,000। न्यूमिनेटर में 4,0 है, ये 4,0 कैंसिल कर लेंगे, 1,2,3,4 ये 4,0 कैंसिल हो जाएंगे। 5/10, अब इसको लोअर टर्म में चेंज कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आंसर हो गया 1:2, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्कूल में टीचर्स 102 हैं और 3,300 स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच में रेशियो फाइंड करना है, नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो न्यूमरेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर्स हैं 102 और स्टूडेंट है 3,300। अब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे। 3,300 में 102 से डिवाइड करेंगे, 102 3 जा 306, 102 3 जा 306, 10 में से 6 4, यहाँ 2 240 हो गया, ये 102 जा चला जाएगा, 102 जा 204, अब 10 में से 4 6, यहाँ 3 36, अब 102 में डिवाइड करेंगे 36 का, 36 2 जा 72, ये कैंसिल हो गए 2 में से 2, 10 में से 7 3, 36 को 30 से डिवाइड करेंगे 1 बार, जब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, 6 5 जा 30, अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, एस सी एफ आ गई, एस सी एफ की वैल्यू आ जाएगी 6, एस सी एफ हो जाएगा 6, अब नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड करेंगे, 102 में 6 से डिवाइड करेंगे, ये रफ है, इधर इस टाइप से डिवाइड कर लेंगे, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, यहाँ 17 अपॉन
इसी टाइप से यहाँ डिवाइड करेंगे, 6 5 जो 30, 6 5 जो 30, 3300 में 6 से डिवाइड करने पे वैल्यू आ गई 550। ये लोअस्ट टर्म है, आंसर हो जाएगा 17:550। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। एक कॉलेज में टोटल स्टूडेंट है 4320, जिसमें गर्ल्स हैं 2300। अब रेशियो फाइंड करना है। ए पार्ट नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 2300, टोटल स्टूडेंट 4320, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 230 अपॉन 432। अब टू से कैंसिल कर लेंगे, 230 अपॉन 432 को टू से डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 230 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 115 अपॉन 216। ये लोएस्ट टर्म है, यही आंसर हो गया। आंसर इज इक्वल टू 115 रेशियो 216। बी पार्ट नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे। टोटल स्टूडेंट्स हैं 4320 और गर्ल्स हैं 2300। सबट्रैक्ट कर लेंगे 4 में से 2 2, बॉयज हो गए 2020। आप रेशियो निकालेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे बॉयज 2020 और डिनोमिनेटर में रखेंगे गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 2300। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 202 अपॉन 230, टू से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। 202 को 2 से डिवाइड करेंगे 101 आ जाएगा, 230 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, आंसर हो जाएगा 101:115। ये आंसर हो गया। सी पार्ट नंबर ऑफ बॉयज और टोटल स्टूडेंट्स के बीच में रेशियो फाइंड करना है। नंबर ऑफ बॉयज टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नंबर ऑफ बॉयज हैं 2020, न्यूमरेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज, डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज हैं 2020, टोटल स्टूडेंट्स हैं 4320। ये जीरो से जीरो कैंसिल, आप टू से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, फिर 0, 2 1 जा 2, इसी टाइप से नीचे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये लोएस्ट टर्म आ गया, यही आंसर हो गया 101:216। ये आंसर हो गया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। Thank you. Have a nice day.